हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ओके सो द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द मॉडर्न थ्योरी गोज़ टू मार्शल रॉबिन्स एंड किन्थ बाउंडलिंग ओके सो ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है इसका इसको डेवलप करने का क्रेडिट मार्शल रॉबिंस और बाउंडलिंग को जाता है ठीक है नौ इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं इस थ्योरी के फर्स्ट इनका है कि रेंट इज़ अ जनरल पेमेंट इट कैन अराइज ऑन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकनॉमिक्स रेंट क्या है एक जनरल पेमेंट है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अराइज़ हो सकता है हमने रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ी थी जो डेविड रिकार्डो ने दी है ठीक है ही वॉज अ क्लासिकल इकनॉमिक्ट ओके उनका व्यू क्या था उनका व्यू था कि रेंट कैन अराइज ओनली ऑन लैंड रेंट सिर्फ लैंड पे अराइज हो सकता है बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स का व्यू है कि इट कैन अराइज़ ऑन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक है ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अराइज हो सकता है सेकेंड इनका व्यू है रेंट अराइज ड्यू टू स्कैसिटी स्केसिटी मतलब फैक्टर की कमी की वजह से रेंट अराइज होता है ठीक है एंड हमारा क्लास सॉरी रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट का क्या व्यू था डेविड uh, रिकार्डो का के रेंट अराइज ड्यू टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ठीक है थर्ड इनका रेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या और ट्रांसफर अर्निंग ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पता क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ठीक है ना रेंट अकॉर्डिंग टू हिम जो रेंट कैलकुलेट होता है वो इन्होंने कहा किसके बेस पर कैलकुलेट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पर कैलकुलेट होता है ठीक है बट हमारा रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट में डेविड रिकार्डो का व्यू क्या था डेविड रिकार्डो का व्यू था कि रेंट इज़ ए रेसिड्यूल अमाउंट रेंट क्या है रेसिड्यूल अमाउंट है जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद बचता है वो रेसिडुअल uh, अमाउंट होता है उसी को उन्होंने रेंट माना ठीक है तो हमने ये तीन पॉइंट्स देखे इसी पर हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट बेस्ड कर रही है ठीक है सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने पॉइंट आउट क्या किया मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कहा कि लैंड में बी अ फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर फॉर मैनकाइंड लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर है मैनकाइंड के लिए बट अगर हम इसको देखें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फार्म और इंडस्ट्री अगर फार्म और इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से देखें तो हम देखेंगे कि इसका सप्लाई क्या है इसका सप्लाई जो है फिक्स नहीं है और इट इज़ नी द फ्री नॉट इट सप्लाई इज़ फिक्स मतलब दैट इज़ नॉट फ्री लैंड फ्री नहीं अगर हम फर्म की या इंडस्ट्री की पॉइंट आउट से देखें तो लैंड इज़ नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर ठीक है इसका प्राइस डिटर्माइन कैसे होता है बाय द बेसिक लॉ ऑफ स्केसिटी लॉ ऑफ स्केसिटी के बेस पर इसका प्राइस डिटरमाइंड होता है ठीक है इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर हम किसी फैक्टर को हायर करते हैं तो उसको मिनिमम अमाउंट पे करते हैं कि वो जॉब में रिटेन रहे ठीक है तो उस मिनिमम अमाउंट को इन्होंने यहाँ पे कहा डेट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो उसका सप्लाई प्राइस है ठीक है हम अगर किसी भी फैक्टर को हायर करते हैं फॉर जॉब तो उसको कम से कम अमाउंट देते हैं कि मिनिमम अमाउंट जिसको कहा गया है कि, कि वो जॉब में रिटेन रहे ठीक है रहे तो उस प्राइस को इन्होंने कहा है वो उसका सप्लाई प्राइस है वो उसका क्या है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ठीक है नेक्स्ट ही सेड वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही उसकी सप्लाई प्राइज है ठीक है ना ही सेड दैट इफ़ दैक्टर इफ अ फैक्टर इज स्केयर अगर फैक्टर स्केयर है फैक्टर की कमी है देन जब एम्प्लॉयर होगा उसको उसको अपॉर्चुनिटी uh, कॉस्ट से ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्यों क्योंकि उसकी स्कैसिटी है कमी है फैक्टर की ठीक है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट वो कर रहा है अबव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो उसका रेंट है ठीक है पे मिनिमम क्या है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मिनिमम उसको पे करना है एम्प्लॉयर uh, को एम्प्लॉय को रिटेन रखने के लिए जॉब में मिनिमम अमाउंट पे करना होता है ठीक है ना उस मिनिमम अमाउंट को कहा इन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इन केस एम्प्लॉयर को या परचेजर को फैक्टर स्केयर uh, होने की वजह से इस कॉस्ट से अबब पे करना पड़ा तो ये जो ज्यादा उसने पे किया एक्स्ट्रा अमाउंट उसको इन्होंने कहा ये है रेंट और ये अराइज क्यों हुआ ड्यू टू स्कैसिटी कमी थी उसकी इसीलिए उसको उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा पे करना पड़ा ठीक है सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इज द रेंट ऑफ डैट फैक्टर ठीक है तो दैट इज जॉन रॉबिस डिफाइंस रेंट एज डेट सरप्लस अर्निंग ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज विच इट गेट्स विच इट गेट्स ओवर एंड अबव वॉट इज द मिनिम नेसेसरी टू अट्रैक्ट द पर्टिकुलर फैक्टर टू अ पर्टिकुलर यूज किसी भी वर्क के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ड्यू टू तो स्कैसिटी ऑफ अ फैक्टर जो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है डेट इज रेंट तो इन अदर वर्ड्स रेंट इज डेट एक्स्ट्रा इनकम विच अफेक्टर गेट्स ओवर एंड अबव द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अबव जितना मिल रहा है उसको वो रेंट है तो यहाँ pe थर्ड पॉइंट हो गया कि रेंट कैन be कैलकुलेटेड ऑन the बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है ना इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि सपोज इंजीनियर है उसको सैलरी मिल रही है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ ठीक है ओके नाउ अगर उस इन केस वो कहीं और जॉब करता उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट था जहाँ उसको मिलती बीस हजार रुपये सैलरी ठीक है ये बीस हज़ार उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ठीक है ये जो रेंट अर्न किया इस पे इंजीनियर ने वो अर्न किया पाँच हज़ार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अब उसको कितना मिला पाँच हज़ार तो पाँच हज़ार रेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी आती बीस हज़ार नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट और उसको मिल के आ रहा है पच्चीस हज़ार मिल रहा है ठीक है पाँच हज़ार एक्स्ट्रा मिला वो रेंट है उसका ये पाँच हज़ार एक्स्ट्रा क्यों मिला ड्यू टू स्कैसिटी कमी की वजह से इंजीनियर्स कम है तो ज़्यादा पे करना पड़ा एम्प्लॉय को से फाइव थाउजेंड ओके तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मिनिमम प्राइस दैट इज नेसेसरी टू रिटेन दैट इंजीनियर इन हिज प्रेजेंट जॉब स्टिल ही इज़ बिंग पेड रुपीज़ फाइव थाउजेंड स्टिल उसको फाइव थाउजेंड एक्स्ट्रा पे किया गया जो स्कैसिटी की वजह से हुआ ठीक है नाउ रेंट एज पर मॉडर्न थ्योरी रेंट कैन अराइज ऑन ऑल फैक्टर्स ठीक है नॉट मेरली ऑन लैंड ठीक है रिकार्डो का मतलब था कि लैंड पे ही सिर्फ रेंट uh, अराइज हो सकता है बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मानना है कि कैन अराइज ऑन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमने देखा ओके नाउ यहाँ पे इन्होंने सप्लाई एंड डिमांड कर्व दिया है ऑफ अ फैक्टर ठीक है एंड ये हमारा डिमांड कर्व है और ये क्या है ये हमारा वाई एक्सिस पे प्राइस है ओके यहाँ पे जो उसको प्राइस पे हो रहा है देन उसका सप्लाई प्राइस ठीक है ये हमारा डिमांड कर्व है फैक्टर का और ये हमारा सप्लाई कर्व है ओके प्राइस पर यूनिट क्या है ओ पी है फैक्टर की ठीक है और क्वांटिटी क्या है फैक्टर की ओ एम है ठीक है ओ एम है ठीक है ओके तो यहाँ पे कितना टोटल रेवेन्यू है फैक्टर का ओ पी ई एम ओ पी एम इज टोटल रेवेन्यू अर्न बाय ए फैक्टर